हेलो फ्रेंड्स, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अना संधू कोचिंग हब दे विच। मैं हरप्रीत तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ। अज दा अपना मैं टॉपिक है जो हरियंक वंश लैके आई हाँ। इस तों पहलां आपां मगध समराज जो पढ़ रहे हाँ उस दे विच मैं तुहानूं मगध समराज दे जो संस्थापक सी उन्हां नूं ट्रिकवाइज वंश क्रम दे विच लर्न करवाए सी। नैक्सट टॉपिक मैं मगध समराज दा जिहड़ा उत्थान सी उन्हां दी जानकारी सानूं कित्थों मिलदी है उस दे बारे विच आपां डिस्कस कीता सी। एंड अज दा मैं जो पार्ट आ थर्ड पार्ट लैके आई हाँ हरियंक वंश। वैसे तां महाभारत दे विच कहा गया है कि जो मगध है उसके उपर जो पहला वंश सी वह बृहदर्थ वंश सी, लेकिन जो वैसे गल की जाती है तो वह हरियंक वंश के बारे के ही गल की जाती है, जिस दे बारे दे विच आपां पढ़ांगे। जिन्हां दे संस्थापक सीगी वह बिंबिसार सी। अज आपां बिंबिसार दे बारे दे विच ही पढ़ांगे कि उसने किस तरह मगध समराज दा शासन सी जिहड़ा उसनूं स्थापित किया, किस तरह उसने अपने राज दा जो विस्थार सी किया। ठीक है जी, वीडियो शुरू करने तो पहला की तरह ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो फुल वॉच करो, अपने फ्रेंड सर्कल विच वध तो वध शेयर करो और नाल ही नाल वीडियो नू लाइक करो। और अगर तुहानू कोई भी डाउट है प्लीज मैनू कमेंट बॉक्स विच आके तुसी पूछ सकते हो, ते नाल ही तुसी मैनू मेरे वट्सएप ग्रुप ते भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी, शुरू करते हैं अज का अपना टॉपिक हरियंक वंश, जो कि 544 तो लैके 412 BC तक सी। ठीक है जी, 544 तो लैके 412 BC तक सी, जिस दे विच इस दे पहले शासक सीगे बिंबिसार, जिसनूं इन्हां दे संस्थापक भी कहा जांदा है। पहला शासक जां संस्थापक हरियंक वंश दे कौन सीगे? बिंबिसार। बिंबिसार सी जिहड़े, उन्होंने कदों तो कदों तक शासन किया? 544 तो लैके 492 BC तक शासन किया सी। ठीक है जी, ते अगर असीं बिंबिसार दे बारे दे विच सब तो पहला गल करिए तां इन्हां नूं इन्हां दा जिहड़ा उपनाम है वह जैगिक है, जैगिक नाम दे नाल भी इन्हां नूं जाणिआ जांदा है। ते इन्हां दा जिहड़ा दरबारी राजवैद सी वह जीवक सी, जीवक आयुर्वैदिक आचार्य, जिस दे बारे दे विच मैं तुहानूं अपने राजतंत्रक गणतंत्रक वाले वीडियो दे विच भी दस्सिया सी कि जीवक कौन सीगे। ठीक है जी, ते नैक्सट इन्हां दे वेद सीगे इह कह लो। ठीक है जी, अगे अगे अगर असी इस दी गल करिए तो मतलब बिंबिसार सी जिहड़े उह किस दे समकाली सी उस टाइम, होर किन कौन सीगे उस टाइम जो बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध सी जां फेमस सी, तां उह सीगे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है जी, महात्मा बुद्ध दे समकाली सीगे जिन्हां इन्हां ने, ते महात्मा बुद्ध जी दे प्रभाव दे विच आ के ही बुद्ध धर्म भी ग्रहण कीता सी। ते अगर असी बिंबिसार दे राज दी मतलब मगध समराज दी राज्य दी राजधानी दी गल करदे तां सब तों पहलां ही इन्हां ने, मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि राजगृह नूं ही अपनी राजधानी बनाया सी, ते गिरिब्रिज भी इन्हां दे ही नाम है। ठीक है जी, इन्हां ने पहला ते बाद विच इन्हां नूं ही अपनी राजधानी बनाया। ओके जी, जदों इह गद्दी ते बैठे सी तां उस टाइम इन्हां दी जिहड़ी उमर सीगी उह सिर्फ 15 साल सी। किन्नी सी जी? 15 साल। ठीक है जी, ओके जी। उस तो बाद जी अगर मतलब कि इन्हां ने नगर बसाया, नगर दा जिहड़ा निर्माण करवाया सीगा इन्हां ने राजगृह दे विच कीता सी, ते इह निर्माण सी जिहड़ा ओह महागोविंदा ने कीता सी, राजगृह नगर दा महागोविंदा ने। ठीक है, इन्हां दी शासन सी जिहड़ा ओह लगभग 52 साल इन्हां ने शासन कीता, ते इन्हां दे मगध राज दे विच जिहड़े पिंड सी लगभग 80,000 पिंड सीगे उस टाइम ते। ठीक है जी, ते इन्हां दी जिहड़ी मृत्यु सीगी, मौत सीगी, ओह कह लो कि मौत हुई जां इन्हां दी हत्या कीती गई, हत्या सी जिहड़ी इन्हां दे अपने ही पुत्तर अजात शत्रु ने 492 BC दे विच कीती सी। ठीक है जी, ओके जी। नैक्सट जी इस द राज विस्तार, राज विस्तार इन्होंने अपने समराज का जिहड़ा राज विस्तार सी उह कीता। इह सीगी जी थोड़ी जी जानकारी बिंबिसार दे बारे दे विच, अगे राज दा विस्तार सी इन्हां ने किस तरह करके कीता। सब तो पहला सी जी इन्हां ने युद्धां राही मतलब कि युद्ध करके कीता, जिस दे विच सीगा सब तो पहला इन्हां ने अंग ते जित प्राप्त कीती सी, ते मगध सी जिहड़ी सब तो पहला इन्हां ने अंग ते हमला कीता, ते मगध ते पहली जित इन्हां ने प्राप्त कीती सी। ठीक है, उत्थे उत्थे दा जिहड़ा मगध अंग ते इन्हां ने मतलब जित प्राप्त कीती सी, इह मगध दी पहली जित सी, जिसदा अंग दा जिहड़ा शासक सीगा उह बृहगुप्त सीगा, उस नूं हरा के इन्हां ने जित प्राप्त कीती सी। सैकेंड सी जी चंपा राज ते इन्हां ने जित प्राप्त कीती। ओके जी, नैक्सट सीगा इन्हां ने मित्रता करके अपने राज दा विस्तार कीता। इह इक कुशल ते सूझवान शासक सीगा बिंबिसार, ते अवंती दे राजा चंड प्रदोत जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हां भुल्ली किन्हां दे पिता दा नाम सी, ते चंड प्रदोत इक बार कहिंदे बीमार हो गया, उसनूं पांडू दा रोग हो गया सी, तां इसने अपने जिहड़ा
राज वैद सी जीवक उस नूं इन्हां दा इलाज करन दे लई भेजिया सीगा। ठीक है जी, नैक्सट है जी ब्याह करके, मतलब कि ब्याहां दे द्वारा इन्हां ने अपने राज दा विस्तार कीता, जिस दे विच सब तो ज्यादा विस्तार इन्हां ने अपने ब्याहां दे नाल ही कीता, जिदे विच इन्हां ने कई राजकुमारियां दे नाल, कई शासकां दी राजकुमारियां दे नाल ब्याह करवाए सी। ठीक है जी, जिदे विच सब तो पहला असीं गल करदे हां लछवी वंश दी। लछवी वंश दे शासक प्रशासन सीगा वैशाली दा, ते वैशाली दा जिहड़ा सॉरी वैशाली दे उपर शासन सी लछवी वंश दा। लछवी वंश दा जिहड़ा शासक सीगा ओह सी चेटक। चेटक दी भैण सीगी त्रिशला। ठीक है जी, त्रिशला ते चेटक दी पुत्री सीगी जिहड़ी चेलना। ठीक है जी, ते चेलना दे नाल इन्हां दा ब्याह होया होया सीगा। मतलब जी त्रिशला दे बारे विच मैं तुहानूं बाद विच दसदी आं कि ओह कौन सीगे। ठीक है जी, चेटक सी जिहड़ा मतलब कि वैशाली सी, वैशाली दे उपर शासन लछवी वंश दा सी, ते लछवी वंश दे जिहड़े शासक सीगे ओह चेटक सीगे। चेटक दी पुत्री सीगी चेलना। चेलना दा ब्याह सी जिहड़ा ओह बिंबिसार नाल होया सी, ते इसे ब्याह तों ही इन्हां दा पुत्तर सी जिहड़ा अजातशत्रु सी, अजातशत्रु ने ही इन्हां नूं दी मतलब कि हत्या कर दित्ती सीगी। ते चेटक दी भैण सी जिहड़ी त्रिशला, त्रिशला सीगी जिहड़ी ओह महावीर स्वामी जी उहनां दे पुत्तर सीगे जिहड़े जंत्रिका गणराज दे मुखिया दे नाल ब्याहे हुए सीगे। ठीक है जी, ते महावीर स्वामी जी इन्हां दे पुत्तर सीगे। ते अगर असी गल करिए ते महावीर स्वामी ते बिंबिसार दे विच तां की रिश्ता बनता है, तो मतलब कि इह कह सकदे हां कि महावीर स्वामी जी मतलब कि इन्हां दे की सीगे इह बिंबिसार जी, मतलब इन्हां दी भैण होगी। ठीक है जी, ते इह की सीगे इन्हां दे जीजाई सीगे। ठीक है जी, ते अगर नैक्सट असी ब्याह दी गल करदे हां तां उह है कौशल। कौशल दा शासक सी प्रसेनजीत। प्रसेनजीत दी वी भैण सीगी कौशल देवी। ठीक है जी, इह इन्हां दा पहला ब्याह सी, आ इन्हां दा सैकंड ब्याह सीगा, लेकिन मैं इसलिए इसनूं पहला रखिया क्योंकि अजात शत्रु इन्हां दा बेटा सीगा जिसने बाद विच बिंबिसार तो बाद विच मगध दे सम्राज ते शासन करना सी। ठीक है जी, इसलिए मैं इसनूं पहला तुहानूं दस्सिया, ते सैकंड सीगा कौशल देवी। ठीक है जी, वैसे इन्हां दा पहला ब्याह प्रसेनजीत दी भैण कौशल देवी नाल होया सी बिंबिसार ने। ते इसे ब्याह दे विच प्रसेनजीत ने काशी सीगा जिहड़ा इक व्यापार दा बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सीगा उस टाइम ते अपनी भैण कौशल देवी नूं दाज दे विच दे दित्ता सीगा। ठीक है जी, उस तों बाद सी जी मदर दा एक राज सीगा, उस तों दी राजकुमारी खेमा सी, खेमा दे नाल बिंबिसार दा ब्याह होया सी। खेमा ने बाद विच बुद्ध धर्म नूं ग्रहण कर लिया सी ते ओह बुद्ध भिक्षुणी बन गई सी। ठीक है जी, नैक्सट है जी फोर्थ है जी विदेह। विदेह दी राजकुमारी सीगी वासवी दे नाल बिंबिसार दा ब्याह होया सी। मतलब इन्हां ने ब्याहां दे द्वारा अपने कई जिहड़े रिश्ते सी इन्हां रिश्तियां दी बदौलत ही अपने राज दा विस्तार कीता सी, क्योंकि इस दे नाल इन्हां नूं काफी सारे दाज दे विच जिस तरह की काशी इन्हां नूं दाज दे विच मिल गया सी, इस तरह करके इन्हां दी काफी वधिया मतलब कह लो कि बॉन्डिंग हुई और उन्होंने अपने राज दा विस्तार किया। धन्यवाद जी, ते तुसी मैनूं मेरे वट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो 7986586279 मेरा वट्सएप नंबर है। मैं असी उस ते ग्रुप शुरू किया होया जिस दे विच असी बहुत ही वधिया तरीके नाल टॉपिक कर रहे हां ते नाल ही उन्हां दे विचों टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी, तुसी मैनूं उस ते भी ज्वाइन कर सकते हो, ते उसकी फीस 500 पर मंथ है। जो भी चाहवान हन मैनूं मेरे वट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद जी।